हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू औद्योगिक नीति 1992, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1992। ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एडुसर्व मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक नीति का मतलब क्या है। तो जो औद्योगिक नीति है तो ये हमें बताती है कि किसी देश के अंदर जो है मतलब औद्योगिक नीति एक ऐसी नीति है जिसकी सहायता के साथ सरकार जो है विकास के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेती है। देश का जो औद्योगिकरण होता है उसको बढ़ावा देती है। ये एक रोड मैप होता है जिसके द्वारा मतलब इसके अंदर नीतियां, कार्यक्रम और गतिविधियां होती हैं जो बताती हैं कि हम उद्योग को किस तरह से विकसित कर सकते हैं। औद्योगिक नीति की जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग सिद्धांत तथा वो सारी नीतियों को स्टडी करते हैं जिसकी सहायता के साथ हम देश के अंदर औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं और देश को विकास कर सकते हैं। औद्योगिक नीति जो है औद्योगिक ढांचे को नियमित करती है जिसके अंदर देश के काफी सारे जो व्यापक उद्देश्य होते हैं, आर्थिक विकास करना है, उद्योगों का विकास करना है और जो क्षेत्रीय विकास है वो संतुलित होना चाहिए, रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए। तो औद्योगिक नीति के अंदर संरक्षण नीति, श्रम व पूंजी, कुटीर तथा लघु उद्योग जो होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इसी तरह विदेशी पूंजी तथा उनसे संबंधित हम सारी बातों का अध्ययन करते हैं। औद्योगिक नीति किसी देश के औद्योगिक विकास का एक रोड मैप होती है। इसमें विकास की जो प्रक्रिया होती है प्रमुख घटकों के रूप में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने की चेष्टा होती है। इसके अंदर बताया जाता है सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या गतिविधियां हैं, क्या कार्यक्रम है जिसके द्वारा देश जो है औद्योगिक का विकास करेगी। और उसी तरह जो निजी उद्यम होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए निर्देश नीतियां होती हैं जो बताती हैं कि उन्होंने अपना विकास इस तरह से करना है। और उसी तरह भारत में जो औद्योगिक नीति है, जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं, उनकी भूमिका को भी बताती है। तो सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका भी औद्योगिक नीति बताती है, एफडीआई की भूमिका भी बताती है। औद्योगिक नीति एक ऐसा उपकरण है जो परिभाषित करता है कि सरकार देश के अंदर जो औद्योगिक विकास है उसकी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो देखो, स्वतंत्रता से पहले भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार थी और उसने भारत के अंदर उद्योग को विकास करने के लिए कोई भी औद्योगिक नीति नहीं बनाई थी। तो औद्योगिक नीति के पीछे उद्देश्य होता है कि उत्पादकता में निरंतर लगातार जो है वृद्धि बनी रहे और लोगों को जो है लाभकारी रोजगार मिले और जो मानव साधन है उनका इष्टतम उपयोग हो। और उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए और भारत को विश्व के अंदर जो है एक अच्छा भागीदार और खिलाड़ी के रूप में परिवर्तित करना और जो एफडीआई पे रिस्ट्रिक्शन है उसको खत्म करना। और इसका जो मेन मकसद है कि भारत उद्योग को जो इसके ऊपर नियंत्रण है, जो बेफिजूल नियंत्रण है उससे मुक्त करना, उद्योगों को स्वतंत्रता और लचीलेपन की अनुमति देना, उद्योगों को विकास के लिए नीति प्रदान करना। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48 में आई थी, उसके बाद 56, 77, 80, 90 और 91। क्योंकि यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, हम उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। देखो, जो अतीत के अंदर औद्योगिक नीतियां बनाई थी तो उन्होंने भारतीय अवस्था की जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति है और संरचना है उसको आकार दिया।
समय की ये मांग थी कि जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति है उसका दायरा जो है बदलना चाहिए। तो इसीलिए 1992 के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। तो इस नीति के साथ सरकार ने भारत के अंदर सुधार की एक प्रक्रिया शुरू की। काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई है इस नीति के द्वारा। तो ये नीति को नीति से अधिक हम प्रक्रिया के रूप में जो है अध्ययन करते हैं, क्योंकि देखो उस वक्त जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1992 आई, तो उसके पीछे एक तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, उसका प्रतिकूल संतुलन था। और उसी तरह खाड़ी युद्ध के कारण तेल की बहुत ज्यादा ऊंची कीमतें थी, और जिसकी वजह से क्या था कि भारत का जो विदेशी भंडार था वो तेजी से कम हो रहा था। और उसी तरह जो हमारे एनआरआई थे उनका जो रिमिटेंस था उसमें भी काफी गिरावट हो रही थी, और जो इन्फ्लेशन थी वो 17% पर चरम सीमा पे थी। और उसी तरह केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा जो था सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 तक पहुंच गया था। और जून 1992 के महीने तक भारत की जो विदेशी मुद्रा थी वो घटकर केवल 2 सप्ताह की आयात को ही कवर कर सकती थी। तो श्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 24 जुलाई 1992 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। तो औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य था कि जो भारतीय औद्योगिक है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको जो अननेसेसरी नौकरशाही नियंत्रण से मुक्त करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन को लागू करना, उदारीकरण को लागू करना। और यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जो था प्रतिबंध हटाना था, उसके साथ जो घरेलू उद्यमियों के ऊपर MRTP एक्ट था उसको उनको भी वहां से उस नियम से मुक्ति दिलाना था। इस नीति का उद्देश्य था कि उन सार्वजनिक उद्यम जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एंटरप्राइजेस थी जिनकी रिटर्न काफी कम थी और जो वर्षों से घाटे पे चल रही थी, सरकार के ऊपर उनका बोझ भी कम करना। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, MRTP एक्ट के ऊपर फोकस किया। देखो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो उद्यम था, जो पब्लिक सेक्टर था, उसका रोल डिफाइन रीडिफाइन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया। उत्पादन क्षेत्रों का आरक्षण के पहले जो 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए थी उसको 17 से 8 किया गया, और 2010 में ये घटाकर 2 कर दिया गया। और उसी तरह जो पब्लिक सेक्टर जो उद्यम थे जो सही काम नहीं कर रहे थे, जो गैर निष्पादित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, तो वहां पे क्या है कि सरकार वहां से अपना निवेश निकाल लेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुचित प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्ति करते हुए अधिक जो था स्वामित्व प्रदान किया जाए। और उसी तरह जो सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उनको बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को रेफर किया जाए। लाइसेंस की समाप्ति, डी लाइसेंसिंग। तो इस नीति के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस खत्म कर दिया गया। और उसी तरह उदारीकरण के चलते हुए 1999 में संशोधन के मुताबिक 6 उद्योगों को छोड़कर बाकी सब उद्योगों को लाइसेंस वापस कर दिया गया। वर्तमान में सुरक्षा रणनीति और एनवायरनमेंट संबंधी चिंताओं से संबंधित 4 उद्योग हैं जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, और उसी तरह स्पेसिफाइड खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, तंबाकू, सिगार और सिगरेट और निर्मित तंबाकू विकल्प के लिए जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। और नई नीति के अनुसार उद्योग से संबंधित सभी पंजीकरण योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। उद्योग स्थापित करते समय या वर्तमान उद्योगों की क्षमता के विस्तार के लिए केवल एक सूचना ज्ञापन ही देना होगा। और उसी तरह जो रिजर्वेशन थी वो भी खत्म की गई और इंडस्ट्रीज के लिए जो रखे गए थे। तो उसी तरह जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 थी जो उद्योग सरकार के लिए पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित थे उनको घटाकर केवल 8 कर दिया गया।
आने वाले वर्षों में कई अन्य उद्योग भी निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोले गए। वर्तमान में दो क्षेत्र है जहां पे पब्लिक सेक्टर खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकता, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। विशेष रूप से ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। और उसी तरह क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी सरकार जो है निवेश निकाल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनकी दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार की हिस्सेदारी जो है कम की गई है। MRTP जो एक्ट है उसको खत्म किया गया है और यहाँ पे नया एक्ट जो है कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया है। और उसी तरह फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है तो यहाँ पे भी एक बड़े बदलाव की परिकल्पना की गई है। और यहाँ पे क्या है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स हैं तो उनको भी ऑटोमेटिक जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। और उसी तरह लिबरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे क्या है कि पहले जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई है। विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण किया गया है। अब है कि 26% से लेकर 100% तक ऐसे कि जो नेगेटिव लिस्ट है उस उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों में 26 से लेके 100% तक जो है FDI की अनुमति है। और उसी तरह 1992-93 से भारतीय शेयर बाजार के अंदर जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो भी निवेश कर सकते हैं। उनके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा कर सकते हैं। सॉरी, उसी तरह जो भारतीय कंपनी है कुछ शर्तों को पूरा करके विदेशी पूंजी बाजार के अंदर वो भी जो है विदेशी पूंजी इकट्ठा कर सकती है। सरकार ने 1992 में कठोर FR की जगह उदार फैमा से बदलने की, मतलब अब जो फैरा है उसकी जगह फैमा है, उसी तरह अगर कंपनी जो है विदेशी तकनीकी एक्सपर्ट को नियुक्त करना चाहती है या कोई विकसित तकनीक का विदेश में परीक्षण करना चाहती है तो उसके लिए जो विदेशी मुद्रा के अंदर भुगतान करना है उसके लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता को खत्म किया गया है। स्थान नीति का उदारीकरण तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उद्योगों को पोल्यूटिंग और नॉन पोल्यूटिंग, प्रदूषणकारी और गैर प्रदूषीकरण श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और जहां पे उन स्थानों को छोड़ के जहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस जरूरी है, अगर जो बेसिकली क्या है कि देखो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जो सीमा क्षेत्र है उसके बाहर जो है अगर वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं 25 किलोमीटर के दायरे में से बाहर, तो वहां पे सरकार से किसी भी औद्योगिक जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, प्रिंटिंग है, जो कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, तो वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के अंदर 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित हो सकते हैं। और उसी तरह कंपल्शन ऑफ फेस प्रोडक्शन अबॉलिश, चरणबद्ध उत्पादन की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म किया गया। तो अब निजी कंपनियां एक साथ कई वस्तुओं और मॉडलों का उत्पादन कर सकती हैं और अब उद्योगों की क्षमता और पूंजी का अधिकतम उपयोग किया सकता है। जैसे पहले उत्पादन क्षमता के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जैसे NRI जो है कि नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के सभी गतिविधियों के अंदर मतलब नॉन रिपीटर्स जो वो वापस नहीं भेज सकते आधार पर 100% तक इक्विटी निवेश की अनुमति दी गई है। और उसी तरह जो चीजें हमने पूंजीगत वस्तुएं अगर आयात करनी है तो कुछ मामलों में उनकी ऑटोमेटिक जो है क्लियरेंस है। और उसी तरह विदेशी मुद्रा की उपलब्धता विदेशी इक्विटी के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। और उसी तरह विदेशी निवेशी संवर्धन बोर्ड जो है FIPB की स्थापना की गई है और ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए सेटअप किया गया है। और जो FDI है जो सिलेक्टेड एरियाज है उसके अंदर मजदूरी देने के मतलब मंजूर मंजूरी देने के लिए किया गया है। और उसी तरह जो कन्वर्टिबल क्लोज है जिस संगठन का निवेश बैंक मतलब जिस संगठन को निवेश बैंक और वित्तीय संस्थान जो है प्रदान करते हैं जिनके पास अपने ऋण का 20% इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प था इस धारा को भी खत्म कर दिया गया है।
जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अगर हम इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सुधार किए गए हैं, जैसे उनको निजीकरण किया गया है, और जो बीमार इकाइयां हैं उनको BIFR के अंदर ट्रांसफर किया गया है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रदर्शन है उसमें सुधार होगा। MRTP एक्ट को खत्म किया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट लागू किया गया है, लाइसेंसिंग नीति को खत्म किया गया है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका प्रवेश आसान हो गया तथा कंपटीशन बढ़ेगा। तो नई औद्योगिक नीति पहली बार लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक अलग वातावरण प्रदान करेगी। कई इसके अंदर उपाय भी शामिल है जिससे छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार छोटे क्षेत्रों को बढ़ी हुई सहायता भी प्रदान करेगी, और उसी तरह क्या है कि सरकार कल्याण के हितों की रक्षा करने के लिए जो तकनीकी है उसको अपग्रेड करने के लिए काफी कोशिश करेगी। इसका उद्देश्य जो है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। नई औद्योगिक नीति का जो फोकस है वो उद्योगों के विकास की दर को बढ़ाना है, उत्पादन में वृद्धि करना है, और उसी तरह विदेशी निवेश और जो विदेशी टेक्नोलॉजी के समझौते के संबंध में भी काफी बदलाव किया गया है। विदेशों से पूंजी, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, जहाँ से हम एक्सपर्ट वगैरह जो है, मतलब इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि हम विदेशी पूंजी को ज्यादा से ज्यादा, जो विशेषज्ञ है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए समझौते कर सके। लेकिन इसकी कई आलोचना भी कही गई है कि जैसे भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके अंदर स्थिरता आ गई है, कोई विकास नहीं हुआ, और नई औद्योगिक नीति ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका कम कर दी गई है। नीति उन सुधारों पर मौन है कि जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका किस तरह से सुधार करना है, उनको किस तरह से विस्तार करना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और उसी तरह क्या है कि निजीकरण हर समस्या का इलाज नहीं है, कि ये है कि निजीकरण से क्या है कि एफिशिएंसी आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में प्रतिस्पर्धा के बिना निजीकरण का परिणाम केवल निजी क्षेत्र के कुशलता एकाधिकार में होगा। और उसी तरह क्या है कि नई नीति से जो आर्थिक शक्तियां हैं ये कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, और इससे क्षेत्रीय असंतुलन में भी वृद्धि होगी। और ये डर है कि विदेशी पूंजी को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनीज भी आ जाएंगी और वो हमारे घरेलू उद्योग को भी खत्म कर देगी, और ये आर्थिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको भी प्रभावित कर सकती है, देश के कर्जे के जाल में भी हमें धकेल सकती है, और छोटे पैमाने पर जो उद्योग है उनपे इसका नेगेटिव असर हो सकता है। तो सामाजिक उद्देश्यों की अनदेखी कही गई है, जैसे निजी क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता दिखाई गई है, तो यहाँ पे आर्थिक सुधारों के एकाग्रता और बुनियादी और प्रमुख उद्योगों को तेजी से बढ़ावा देना है। तो इन चीजों के लिए जो औद्योगिक नीति है उसकी आलोचना की गई है।